नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरनल डेब्ट के बारे में, एक्सटर्नल डेब्ट के बारे में, उनके इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डेब्ट टू GDP रेशियो और इंडिया की इकोनॉमी पर इसके होने वाले असर के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेब्ट की कि डेब्ट क्या होता है। दोस्तों, आप जानते ही हैं, हर साल सरकार बजट पेश करती है और बजट में सरकार बताती है कि उसकी टैक्सेस के जरिए, विभिन्न रेवेन्यूज के जरिए इतनी इनकम होगी और उस इस इनकम का एक्सपेंडिचर यूज़ करेगी अपनी योजनाओं में और एक्सपेंडिचर करेगी। तो टोटल इनकम बताती है, टोटल एक्सपेंडिचर बताती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो सरकार का एक्सपेंडिचर होता है वो ज़्यादातर इनकम से ज़्यादा ही होता है। मतलब सरकार का जो खर्चा है वो उसकी होने वाली आय से ज़्यादा होता है। तो इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं डेफिसिट, और ये जो बजट कहलाता है इसको डेफिसिट बजट बोलते हैं, और इसके बीच के जो अंतर है उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। फिस्कल डेफिसिट के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मेरे पिछले वीडियो में मिलेगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अब आगे चलते हैं। तो डेफिसिट अब हो गया, मान लीजिए आपकी इनकम 10,000 है और आपका उस महीने का खर्चा 14,000 है, तो बाकी के 4,000 रुपये आप कहाँ से लाएंगे? आप किसी से उधार लेंगे। तो यही होता है हमारे सरकार के बजट में भी। जो ये डेफिसिट है उसके लिए सरकार डेब्ट लेती है। अब ये सरकार डेब्ट किससे लेगी? आप डेब्ट किससे लेते हैं? या तो आपका परिवार में कोई और कमाने वाला सदस्य है, आप उससे लेंगे, या फिर आप किसी अपने बाहरी रिश्तेदार से लेंगे। उसी प्रकार सरकार भी जो डेब्ट होती है या तो अपनी पब्लिक से ही लेती है, जिसको इंटरनल डेब्ट बोलते हैं, या फिर सरकार विदेशी देशों से या फिर विदेशी संस्थाओं से कर्जा लेती है इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए। तो इसको बोला जाता है डेब्ट। अब इंटरनल डेब्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार अगर अपने ही लोगों से, अपनी ही जनता से पैसा लेगी, कैसे लेती है सरकार इंटरनल डेब्ट को? सरकार बॉन्ड जारी करती है, सिक्योरिटीज जारी करती है, और उन बॉन्ड्स को खरीदती है पब्लिक या इंडियन कॉरपोरेट्स। उस बॉन्ड पर सरकार, मान लीजिए कि 10 साल का बॉन्ड जारी करती है, उस 10 साल के लिए सरकार बोलेगी मैं हर साल 7% या 8% इस पर इंटरेस्ट दूंगी, और 10 साल बाद मूल रकम वापस मिल जाएगी। तो इस प्रकार बॉन्ड या सिक्योरिटीज़ के जरिए सरकार पैसा उठाती है, मतलब सरकार को उस कर्ज पर ब्याज देना होता है, और इस प्रकार सरकार अपना डेफिसिट पूरा करती है। अब सोचिए कि इस साल भी सरकार का डेफिसिट, अगले साल का बजट होगा। अब अगले साल के बजट में जो सरकार का एक्सपेंडिचर है, उस एक्सपेंडिचर में जो इस साल बॉन्ड जुटाए गए हैं, इन पर देने वाला ब्याज भी शामिल होगा। मतलब कि सरकार के एक्सपेंडिचर में ये ब्याज भी इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि अगले साल जो सरकार का एक्सपेंडिचर पब्लिक योजनाओं में होना था, उसमें से ब्याज वाली अमाउंट कटौती करनी होगी, यानी कि जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें कटौती होगी। और यही कारण होता है दोस्तों, यही कारण होता है कि जो अमीर होता है वो अमीर बनता चला जाता है और जो गरीब होता है वो गरीब बनता चला जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स को पैसे वाला आदमी ही खरीदता है सरकार से, और सरकार उस आदमी को या कॉरपोरेट को, बड़े आदमी या बड़े पैसे वाले को ब्याज देती है इन बॉन्ड्स पे। लेकिन सरकार ब्याज कहाँ से देगी? वो तो टैक्सेस के जरिए पैसा चुकाती है, और टैक्सेस कौन देता है? भारत का हर आदमी, हर गरीब से गरीब आदमी भी इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में सरकार को टैक्स देता है। अगर वो 5 रुपये का कपड़ा भी खरीद रहा है, या फिर अगर वो खाने पीने की चीज़ भी खरीद रहा है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ भाव टैक्स का वो सरकार को देता है। इस प्रकार सरकार गरीब से
टैक्स ले रही है और बॉन्ड में ब्याज के जरिए वह पैसा अमीरों को जा रहा है। यही कारण है कि इंडिया में जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं दोस्तों वह गरीब होते जा रहे हैं। यह है इंटरनल डेब्ट का प्रभाव। दूसरा, एक तो इस जरिए से अपना डेफिसिट पूरा करती है जो अपना डेब्ट है, इस तरीके से टैक्स ज़्यादा बढ़ा देगी सरकार और अपना जो इंटरनल डेब्ट है चुकाएगी। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि सरकार पैसे छापे, इंक्रीज़ कर दे मनी सप्लाई, प्रिंटिंग बढ़ा दे पैसे की। लेकिन आप बोलेंगे कि ऐसा करके सरकार अपना मुक्त हो सकती है डेब्ट से, लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अगर सरकार पैसों की प्रिंटिंग बढ़ा देगी तो इकोनॉमी में ज़्यादा मनी सप्लाई आ जाएगी। अब सोचिए कि आपके यहाँ कोई चीज़ है, वह 10 रुपये की चीज़ है, लेकिन एक ही चीज़ है, उसको ख़रीदने वाले 2 लोग हैं और उनके पास 20-20 रुपये हैं, तो दोनों खरीद सकते हैं उस चीज़ को, दोनों खरीद सकते हैं, तो क्या होगा? जो बेचने वाला है वह उसका दाम बढ़ाएगा। दोनों पे 20-20 रुपये हैं तो 20-20 रुपये तक वह उसका दाम बढ़ जाएगा, जो 10 रुपये की चीज़ थी और 20 रुपये की हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी। तो उस तरीके से जैसे ही मनी सप्लाई जब बढ़ जाएगी तो डिमांड तो उतनी ही है, सॉरी सप्लाई तो उतनी ही है, लेकिन डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया है, सरकार ने पैसा प्रिंट कर दिया, इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा आ चुका है और उससे इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। जैसा कि आपने देखा होगा जिम्बाब्वे में क्राइसिस आया, इन्फ्लेशन बिलियंस में चली गई, ग्रीस में क्राइसिस आया, इन्फ्लेशन अभी हज़ारों में चल रही है, 1000% में। इंडिया में इस समय इन्फ्लेशन 6% है दोस्तों, जो कि अभी कोविड क्राइसिस के दौरान थोड़ा 6 के ऊपर चली गई, जो कि RBI का जो टारगेट होता है 6% रहता है, लेकिन इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा आगे चल रही है। तो ये भी नहीं कर सकते, प्रिंट भी नहीं कर सकते हैं, और दूसरा अगर ज़्यादा इंटरनल डेब्ट होता है तो हमें सरकार को ब्याज में वो पैसा देना होगा और वो टैक्सेस बढ़ाती रहेगी, तो यहाँ पे भी जनता को खतरा है और दूसरे तरीके में भी जनता को ही नुकसान हो जाएगा। इसीलिए सरकार हर साल फिस्कल डेफिसिट का टारगेट कम से कम लेके चलती है ताकि कम से कम फिस्कल डेफिसिट हो। सरकार का टारगेट होता है 3-4% तक ही फिस्कल डेफिसिट हो और उसको सरकार ज़्यादा कर्ज ना लेना पड़े। ये हुआ इंटरनल टैक्स की बात, इंटरनल डेब्ट की बात। अब चलते हैं एक्सटर्नल डेब्ट की तरफ। तो दोस्तों एक्सटर्नल डेब्ट वो हुआ जो सरकार बाहर से लेगी, यानी कि विदेशी संस्थाओं से लेगी या विदेशी देशों से लेगी। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि विदेश से लिया जाता है, लेकिन जो विदेश का कर्ज है जब उसको चुकाएगी सरकार, वह अपनी इंडियन रुपीस में नहीं चुका सकती क्योंकि वो फॉरेन करेंसी में, वो अपनी करेंसी नहीं लेगा, तो यहाँ पे प्रिंट करके भी नहीं दे सकती है सरकार, तो उसको फॉरेन करेंसी में देना होगा। लेकिन सरकार को वापस करने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए, और फॉरेन करेंसी कैसे मिलती है? जब सरकार एक्सपोर्ट करती है, जब देश से एक्सपोर्ट होगी कोई चीज़ तो उसके बदले हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी क्योंकि विदेश हमें फॉरेन करेंसी में पैसा देगा, तो फॉरेन करेंसी फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए हमारे पास, और वो होता है एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होने से। तो अभी सोचिए कि सरकार का एक्सटर्नल डेब्ट बढ़ जाता है, बढ़ता ही जाता है, और हमारे पास उसको चुकाने के लिए फॉरेक्स कम हो जाएगा, फॉरेक्स कम हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा सरकार को एक्सटर्नल डेब्ट का जो चुकाना है, तो फॉरेक्स बढ़ाने के लिए सरकार को अपने यहाँ की जो इंटरनल चीज़ें हैं उनको एक्सपोर्ट करना होगा, यानी कि जो अपने यहाँ की जनता को जो सामान यूज़ करना था उसका सरकार एक्सपोर्ट कर देगी और हमारे यहाँ की चीज़ हमारी ही जनता यूज़ नहीं कर पाएगी। और दूसरा क्या प्रभाव होगा दोस्तों, कि जब हमारे यहाँ, आपने देखा होगा कि अगर आपने कर्जा लिया है, आपको कर्जा चुकाना है, तो आप क्या करते हैं? आप बोलते हैं मैं कर्जा चुकाता हूँ, अपना ये खर्चा कम कर लेता हूँ, या अपने बच्चों का ये कर्जा, अपने बच्चों पे ये चीज़ नहीं लूँगा, उसको ये चीज़ नहीं दिलाऊँगा। तो उसी प्रकार होगा, हमारी सरकार हमारी ही जनता की चीज़ों को नहीं दे पाएगी, उसको सुविधा नहीं देगी, उल्टा वो चीज़ों का पैसा जो बाहर चलता जाएगा। तो एक्सटर्नल डेब्ट का ये प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा जब इंडिया में 1991 का क्राइसिस आया था, तो वो क्राइसिस में क्या करना पड़ा था भारत पे? सिर्फ
तीन हफ्ते के इम्पोर्ट का पैसा बचा था कि हम तीन हफ्ते तक अपने देश की जनता के लिए इम्पोर्ट कर सकते थे, और इसको बचाने के लिए भारत ने अपना 400 टन सोना जो है वह IMF को गिरवी रख दिया था, उसके बदले कर्जा लिया था। उसके बाद लिबरलाइजेशन हुआ, तब जाके हमारे देश की हालत सुधरी थी। तो एक्सटर्नल डेब्ट भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और इससे क्या होगा, जब हम अपना खर्चा कम कर देंगे, अपनी जनता पर खर्चा कम कर देंगे, यानी अपनी जनता के लिए प्रोडक्शन कम हो जाएगा, हमारी जनता की इनकम भी कम हो जाएगी, तो देश में इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाएगी और पॉवर्टी बढ़ती जाएगी, गरीबी बढ़ती जाएगी। तो एक्सटर्नल डेब्ट और इंटरनल डेब्ट दोनों अगर बढ़ेंगे तो देश की इकोनॉमी के लिए खतरा बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, ये बात हुई इंटरनल डेब्ट और एक्सटर्नल डेब्ट की। दोनों का जब हम टोटल करते हैं तो उसको पूरा गवर्नमेंट डेब्ट बोला जाता है, कि सरकार के ऊपर इतना डेब्ट है, पब्लिक डेब्ट है। और इस डेब्ट को जब हम GDP से डिवाइड करते हैं तो उसको डेब्ट टू GDP रेशियो कहा जाता है। मतलब इसका अर्थ क्या है कि हमारा ये रेशियो बताता है कि अपनी GDP का हम कितना परसेंट, अगर हम पूरा का पूरा यूज़ करेंगे तो हमारा जो सरकार का डेब्ट है वो चुकता होगा। तो ऐसा माना जाता है, जो वर्ल्ड बैंक की स्टडी है उसने कहा है कि 77% से ऊपर जब किसी का डेब्ट चला जाता है सरकार का, तो उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी पड़ जाती है और कई बार वह रिसेशन में भी चला जाता है। खासकर यह प्रभाव इमर्जिंग इकोनॉमी में पड़ता है। दोस्तों, आप देखेंगे इस समय COVID-19 के दौरान भारत सरकार का डेब्ट बढ़ गया है, जो 84 से बढ़कर 89.3% हो चुका है। लगभग 90% ऑफ GDP भारत सरकार के ऊपर डेब्ट है, और इकोनॉमी को बढ़ाना है भारत सरकार को तो एक्सपेंडिचर कट भी नहीं कर सकती, और टैक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्सपेंडिचर कट कर देंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी। तो दूसरा चारा क्या है, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। या फिर दोस्तों, भारत सरकार एक तीसरा उपाय क्या होता है कि काला धन, ब्लैक मनी को अगर हम ले आए सिस्टम में तो सरकार के पास टैक्स बढ़ेगा, उसमें जनता पर टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा। सरकार ने कोशिश की थी, नोटबंदी के जरिए कोशिश की थी टैक्स बढ़ा, ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काला धन वापस आए। उसके बाद GST से कोशिश की सरकार ने, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली। उसके बाद सरकार ने विवाद से विश्वास तक की स्कीम लाए कि ब्लैक मनी के जरिए जो है सरकार अपने जो आमदनी है उसको बढ़ा सके, अपने रेवेन्यू को बढ़ा सके, जनता पर ज़्यादा टैक्स ना डालकर। आपने देखा होगा कि पेट्रोल के रेट घट रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में रिटेल रेट उसके नहीं घट रहे हैं, क्योंकि सरकार उस पर टैक्स बढ़ा रही है, वहाँ पर टैक्स बढ़ा रही है। टैक्स बढ़ाना पड़ेगा अगर सरकार को अपना डेब्ट चुकाना है और इकोनॉमी को सही हालत में रखनी है। दोस्तों, तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, और टैक्स बढ़ाएगी तो फिर वो क्या होगा, हमारा जो पुअर है वो पुअर होता जाएगा और जो रिच है वो रिच होता जाएगा। तो इस भंवर से अगर निकलना है सरकार को तो एक स्टिमुलस चाहिए, एक ऐसा बूस्ट चाहिए कि सरकार इससे निकल सके। आपने देखा होगा कि बुलेट ट्रेन के लिए जापान लोन दे रहा है भारत को, लेकिन कोई इकोनॉमी क्यों लोन देगी, इतना लोन दे रही है। अपने जापान का अगर आप डेब्ट टू GDP रेशियो देखेंगे तो वह 200% से ऊपर है जापान का डेब्ट टू GDP रेशियो, मतलब अपनी GDP का 200% से भी ज़्यादा जापान की सरकार के ऊपर डेब्ट है। अब सरकार भारत को लोन दे रही है, वो इसलिए एक्सटर्नल डेब्ट दे रहे हैं भारत को कि भारत उस लोन का उपयोग जापान से ही खरीदेगा बुलेट ट्रेन, मतलब वो जापान का पैसा वापस जापान में ही जाएगा, यानी कि उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, इस कारण वह डेब्ट दे रहे हैं भारत को। नहीं तो दूसरा देश क्यों मदद करेगा हमारी, इतनी मदद कौन करता है। दोस्तों, आप देखेंगे जो वर्ल्ड की जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वो दूसरे देशों को कर्ज दे रही है। चाइना देखिए हर देश को कर्ज दे रहा है, कर्ज देगा, वो कर्ज क्यों दिया था कि आप हमारे यहाँ से ही हमारी चीज़ खरीदो। चाइना कोई भी कर्ज देता है
किसी भी योजना के लिए देगा, उस योजना का जो माल है वो सर चाइना से जाएगा, उसकी जो टेक्निक है वो चाइना से जाएगी। ऐसी बुलेट ट्रेन की तकनीक हम जापान से ही खरीदेंगे, बुलेट ट्रेन भी जापान से ही खरीदेंगे उसके कल पुर्जे। तो वहाँ की इकोनॉमी बढ़ रही है, इसलिए वो जो डेवलप्ड देश हैं ऐसे कर्जे देते हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज को, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को बचा सकें। तो यह सब है दोस्तों एक्सटर्नल डेब्ट और इंटरनल डेब्ट का चक्कर। तो अगर हमारी इकोनॉमी को इससे बचना है, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, ग्रीस ऐसी इकोनॉमी की जैसी क्राइसिस हुई थी वैसी क्राइसिस से बचना है, तो हमें ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहली चीज़ जो करप्शन अब कम होगा, ब्लैक मनी को सरकार लाएगी तो ही सरकार अपनी जनता पर टैक्स का भार कम कर सकेगी। सिर्फ एक ही रास्ता है कि करप्शन कम करके ब्लैक मनी को ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम में लाकर उससे सरकार अपना डेब्ट भी चुकाए और अपना जो एक्सपेंडिचर है वह भी करे, ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ चलती रहे। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों कि इस वीडियो के बाद आपको एक्सटर्नल डेब्ट, इंटरनल डेब्ट, इकोनॉमी पर उसके प्रभाव के बारे में जानकारी हो गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आगे भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करते रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।